हेलो फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेक रिव्यू में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो मोबाइल का रिव्यू करने वाले हैं वो रियलमी 9i है। तो उसके जो अनबॉक्सिंग वगैरह है वो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। आज हम उसका मुकम्मल रिव्यू वगैरह करने वाले हैं, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन हैं और उसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं और इसकी प्राइस वगैरह पाकिस्तान में क्या है और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक वगैरह और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। ये आ गई है हमारे पास रियलमी 9i। इसके जो आप लोग देख सकते हैं, इसका जो प्राइस है पाकिस्तान में वो जी मार्केट रेट का और हिसाब होता है। जो इनवाइस होती है वो 37,000 है इसकी और मार्केट में आपको 32 से 33,000 का आराम से मिल जाएगा। ये जी 9i आपके सामने पिक्स देख सकते हैं इसकी। इसके सबसे पहले अगर हम इसके रिव्यू के बारे में बात करें, स्पेसिफिकेशन में सबसे आप पहले आ जाता है इसका बिल्ड। तो किस बिल्ड के हिसाब से बना हुआ है ये, तो वो आप इसमें बात करेंगे। व्हाट न्यू इसमें ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है एंड्राइड वर्जन, वो है जी 11OS है। और अगर हम इसके UI की बात करें तो रियलमी वालों का जो UI है सॉफ्टवेयर वो 2.0 है। इसके डाइमेंशन के बारे में बात करें तो 164x75 है और वेट के बारे में बात करें तो 190 ग्राम इसका वेट है, जो कि एक नॉर्मल वेट समझा जाता है। और सिम आप लोग डुअल सिम डाल सकते हैं, दोनों नैनो सिम्स होंगी। इसमें दो कलर्स वाले फ़ोन्स आ रहे हैं, एक ब्लैक में एक ब्लू में है। तो फ्रीक्वेंसी में अगर आप बात करें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 4G बैंड है, 5G इसमें मौजूद नहीं है। तो 2G 3G भी बैंड मौजूद है। अगर हम इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें, प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी वजह यह है कि इसमें गेमिंग वगैरह, उसका हैंग ओवर, सारी चीज़ें इस प्रोसेसर में आती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती है रैम और प्रोसेसर ने कंट्रोल करना होता है। CPU के बारे में बात करें, इसमें ऑक्टा कोर 4x2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला लगा हुआ है। और अगर हम इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकम SM6225 लगा हुआ है। स्नैपड्रैगन इसमें लगा हुआ है जी 680, 4G लगा हुआ है और 6 नैनोमीटर वाला लगा हुआ है, 6 नैनोमीटर वाला। अगर हम इसके GPU के बारे में बात करें तो एंड्रीनो 610 लगा हुआ है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो IPS LCD कैपेसिटी, मतलब कि इसमें एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन नहीं है, इसमें जो सिंपल है जो आउटसाइड ही होगा मेरे ख्याल में। इसका जो स्क्रीन का साइज़ है वो 6.6 इंचेस। रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसका जो 1080 जो रेजोल्यूशन है मल्टीप्लायर 2412 पिक्सल। प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लासेस का जो प्रोटेक्शन लगा हुआ है, पता नहीं कि ये कौन सा है, शायद नया आया हुआ। एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो 90Hz इसमें रिफ्रेशिंग रेट है। मेमोरी के बारे में बात करें तो आप लोगों को ये 6 128GB वाला वेरियंट पाकिस्तान से मिल जाएगा। कार्ड के बारे में बात करें तो आप लोग इसमें कार्ड डाल सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर हम कैमरा के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, वो भी 50 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है, मेन कैमरा जिसे कहते हैं। जो फीचर्स वगैरह हैं वो जो आम होते हैं, फ्रंट कैमरा जो आप लोगों को मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट है वो जी साइड माउंटेड में मिलेगा। और अगर हम लास्ट में अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh बैटरी है विद 33W फास्ट बैटरी चार्जिंग है। और आप लोगों की जो 100% बैटरी वो है वो 1 घंटे 10 मिनट में कर देगा। इसकी जो प्राइस है पाकिस्तान में वो है जी 37,000 वाइस और जो डॉलर में है तो वो है जी 209.57 USD। इसके जो रिव्यू हैं वो बहुत ही कम है, हाफ है, 35 लोगों ने यूज़ किया। उसका जो रेट दिया 2.5 है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक वगैरह और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।